चलिए आपका स्वागत है। आज सातवां दिन है। आज मतलब इन सात दिनों में आपसे बात करके मैं इतना अटैच हो गया हूँ। जब मैं बात करता हूँ, वॉइस से कॉल करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ऐसा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में ना मतलब एक ऐसा कनेक्शन हो गया है। क्या बताऊँ, मतलब मेरे को कहीं बैठा भी रहता तो अभी बात करके आया हूँ किसी से। मेरा एक दोस्त बोला गया तेरी आवाज़ भी मतलब ऐसा क्यों हो गया तेरा आवाज़ को, मैसे कर लूँगा तो नहीं हम आजकल ज़्यादा बात कर रहे सो इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ आवर जर्नी ऑफ 7 days एंड आई बिलीव कि ये आपको भी पसंद आया होगा 7 days एंड आई बिलीव कि ये आपको भी पसंद आया होगा। आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे थोड़ी बहुत, जो भी है मैं क्या खोल रहा हूँ उसको वेट करेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा लास्ट डे है टारगेट का, तो मैं वही सोच रहा था कुछ करूँ या ना करूँ। वैसे अभी समय है हमारे पास, हमारे पास अभी क्वेश्चंस करने को है 26 to 32। आई गेस इज व्हाट 5 questions plus 2, टोटल 7 questions। तो बस वही बात है कि वक्त का तकाजा है, लेकिन अब वक्त हमारे पास इनफ है 7 दिन के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेन पार्ट क्या होगा, मुझे एडिटिंग करनी होगी, वीडियो भी बनानी होगी, जो आउटपुट आपको लगता है कि अगर आधे घंटे की वीडियो जाती है ना, तो उसकी पीछे एटलीस्ट कम से कम आपका, मैं अगर एक बार बता दूँ आपको, आपको विश्वास नहीं होगा, अगर मैं 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं, कम से कम मिनिमम आप पकड़ लो 3-4 घंटा लग जाता है। ये होता है एडिटिंग में बहुत टाइम लगती है यार, बस यूँ ही। अब बस वही बात है कि आप हमें कितना रिवॉर्ड देते हैं, हमने मेहनत की है, जो भी हमसे बन पड़ा या फिर हम लोग जितना मेहनत कर पाए हमारी टीम और हम, अब इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कैसे करते हैं, इट इज़ अप टू यू। जैसे देखिए 7 day का चैलेंज लेने के बाद आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल जिससे आप कोई भी चीज़, अब आने वाले कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी पेपर पे आपको जब भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप खुद को चैलेंज करने लायक रहोगे, आप अपनी लिमिट को पुश कर पाओगे। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये 7 दिन यूँ ही गवा दिया। जैसे मैं हूँ, मैं अगर 7 दिन लगातार लगा रहा दिन रात लगा रहा, तो इससे मेरी जो एक लिमिट है ना, जो अपनी कंफर्ट जोन होती है ना, उससे आदमी बाहर निकल जाता है। तो अब जो अगली टफ सिचुएशन आई ना, वो बोले ओ ये तो हो जाएगा यार। तो आपको न सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज मिल रहा है, बल्कि आपकी पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अप क्लास टॉप लेवल की होगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो उनसे ज़रूर शेयर करें जो ग्रुप 2 वाले हैं, जिनको इस बार IPCC ग्रुप 2 देना है। एंड मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि वो सारे ग्रुप 2 वालों को पास कराना है। तो आप हमारे साथ बनिए, हमारे इस चैलेंज को और अप्रिशिएट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा लोगों को ना, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब जो आउटपुट निकलना चाहिए चीज़ों का वो नहीं निकल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग भी देख रहा हूँ, मैंने 4 मिनट आपसे ऐसे ही बात करते बिता दिया, कुछ लोग वीडियो फॉरवर्ड मार दिए होंगे, मतलब बेटा ऐसे बकबक करते रहते हैं। सो और जो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच इस डैश का बात सुनने के लिए। Okay, let's get started. Discuss in brief the power of the company to buy back its own security. आपको power discuss करना है. Discuss in brief the power of the company to buy back its own security. क्या power है buy back करने की अपनी securities की? तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको इस question का length दिखा देता हूँ, देखने में बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, डरिएगा मत। Are you ready? Yes. Okay.
ओके ओके ओ हो, लेकिन इसमें दम नहीं। एक्चुअली है बड़ा, बट उस चीज इसमें कॉन्सेप्चुअल है। वो अगर आप समझ जाए कि जैसे कि उसमें क्या है कि किस कंडीशन, मतलब कहाँ से बायबैक हो सकता है, किस कंडीशन में बायबैक हो सकता है, बायबैक कैसे होगा, बायबैक के बाद क्या होगा, तो ये सारे टर्म्स हैं उसको इलोबोरेट किया गया। जैसे कि बायबैक किस चीज से हो सकता है, क्या चीजें आप यूज करके एक बायबैक कर सकते हैं, तो एक एक करके अपने देखते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, तो समझ रहे, बायबैक मैं अगर आपको ब्रीफिंग दूँ बायबैक, चलिए यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि ये पावर ऑफ द कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन सिक्योरिटी, वो पावर ऑफ बाय बैक कैसे, उसको सेक्शन 68(1) में परमिशन मिलता है कि आप बाय बैक कर सकते हैं अपने शेयर का एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। कहाँ से? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के प्रोसीड से। तो तीन, पहला चीज क्या हो गया, पहली चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि परमिशन, परमिशन आपको कहाँ से मिलती है, 68(1) में आपको अलाउ किया जाता है और आपको बताया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि कहाँ से आप कर सकते हैं, स्पेसिफाई किया जाता है कि और कहाँ से आप बायबैक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है, स्पेसिफाई कंडीशन, ये कंडीशंस हैं कि हाउ यू कैन बायबैक और फ्रॉम वेयर यू कैन बायबैक। तो आपको फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर्स एंड सिक्योरिटी। नाउ इट मे बी नोटेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैव बीन मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ द शेयर्स और द सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। हाँ, सेम काइंड ऑफ द शेयर और सेम काइंड ऑफ द सिक्योरिटीज आप नहीं कर सकते जो अर्लियर इशू हुए हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट नो बाई बैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, ध्यान से पढ़ेगा कि कोई भी बाई बैक नहीं, इट मे बी नोटेड नो बाई बैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज शैल बी मेड आउट, नहीं होना चाहिए कोई भी बाई बैक। कहाँ से? आउट ऑफ द प्रोसीड्स, प्रोसीड जो हमारे पास आते हैं ऑफ एन अर्लियर इशू, जो पुराने इशू है अर्लियर इशू और द सेम काइंड ऑफ द शेयर, सेम काइंड से मैंने पहले इशू किया, अभी हम बोले कि हम बाई बैक करेंगे उसी से, तो नहीं होगा, उसके प्रोसीड से नहीं होगा। आपको फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वहां से आप कर लीजिएगा, और द सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, उससे नहीं होगा दूसरे से हो सकता। इस कंडीशन, इस थर्ड पॉइंट पे कंडीशन, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहली बात हमने कंडीशन पढ़ ली कि कहाँ से कर सकते हैं, क्या अमाउंट हम यूज करेंगे, बाई बैक करते समय हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो बाई बैक क्या होता है पता है ना? बाय बैक इसकी, सपोज मेरा मार्केट में शेयर्स है, आप जैसे मैं एक शेयर होल्डर हूँ रिलायंस का, रिलायंस में बाय बैक किया तो रिलायंस मुझे एक वैल्यू देगी, सपोज 980 का वैल्यू दिया कि मैं बाय बैक करूँ 980 के शेयर्स, तो मैं अपना शेयर बाय बैक करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं अपना शेयर्स बाय बैक के लिए अप्लाई करूंगा और कंपनी मेरे को 980 रुपये दे देगी, बस दिस सिंपल एज इट इज। ओके, नाउ दो अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, और क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंडीशन हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 फर्दर स्टेट दैट नो कंपनी शैल परचेज ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटी अनलेस ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये भी कंडीशन है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहली बात, बायबैक इज ऑथराइज बाई आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपका ऑथराइजेशन नहीं, तब उसको पहले एक अपनी, तब उसको पहले एक ऑथराइजेशन लीजिए। स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास, हैज बीन पास इन द जनरल मीटिंग। अच्छा, आपको एस आर इन जी एम लगेगा, क्या लगेगा? एस आर इन जी एम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जी एम ऑफ द कंपनी ऑथोराइजिंग द बायबैक। कंपनी अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएगी कि हम बायबैक कर सकते हैं। However, the above provision do not apply when the buyback is 10% or less. 10% है तक तो ठीक है, of the paid-up share capital, तब ये special resolution नहीं लगेगा। अब 10% क्या? 10% or less of the paid-up share capital free reserve and is authorized by the board of board resolution passed at a duly convened meeting of the directors. तो इस केस में क्या बोला? Explanation बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया। एक्सप्लेनेशन आई रियली मतलब अप्रिशिएट, अगर इतना अच्छे से समझाया हुआ है तो प्रोविजन को हम लोगों को, अगर देखिए आपके पास 10% और लेस
आपको बाई बैक करना है, और ये 10% ऑफ रिस्क किसका वैल्यू, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का वैल्यू का 10%, ठीक है। ओके इस समय हमें क्या लगेगा, अगर स्पेशल रिजर्वेशन नहीं लगेगा, 10% से कम है, 10% से ऊपर है तो लगेगा, इसमें अपने को बीआर लगेगा, बोर्ड रिजर्वेशन या तो बोर्ड मीटिंग। ओके अब देखो, हेंस इन द केस द बायबैक इज अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर एंड फ्री रिजर्व, द सेम मे बी डन विद द ऑथोराइजेशन ऑफ द बोर्ड रिजर्वेशन विदाउट द नेसेसिटी ऑफ स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ इट्स मेंबर बीइंग पास्ड एट जनरल। बहुत अच्छे से समझाया हुआ, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ, आई रियली अप्रिशिएट की क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को ऐसे ही समझाना चाहिए, समझाया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा हुआ है। ओके द बायबैक इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, बायबैक कैसे ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल से, फिर अपने को स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। दो चीजें हमने पता चल गई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए और स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर 10% से ज्यादा है और 10% और 10% से कम है तो अपने को बीआरएल बीएम लगेगा, बोर्ड मीटिंग से काम हो जाएगा। अब देखिए द बायबैक is equal or less than 25% of the total value paid up share capital and free reserve of the company. अब देखिए ये चीजें हैं कि आपका जो buyback है is 25% of the total paid up, 25% से कम होना चाहिए, is less than 25% of what? Paid up share capital and free reserve. फिर से ये 25% of paid up share capital plus free reserve, इसका 25% से कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो सकता। It may be noted that in respect of the buyback of equity in a financial year, the reference of 25% shall be constructed with respect to its total paid up equity share capital in that financial year. उस financial year में उसकी total paid up share capital कितना, उस पर ये depend करता है 25% plus free reserve। तो हमने तीन condition मैं बार बार repeat कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा point है। तो buyback authorized होना चाहिए article से, special resolution पर। तो हमने तीन condition मैं बार बार repeat कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा point है। तो बायबैक ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल से, स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर मोर देन 10% लेस देन के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, फिर बायबैक का जो बायबैक शुड बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल का फिगर हम सेम फाइनेंशियल ईयर में जो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है वो लेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डेट ओन बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आफ्टर द सच बायबैक इज नॉट मोर देन 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब बोला कि जो रेशियो है ऑफ द कंपनी बोथ डेट ओन इज नॉट 2:1 का रेशियो होना चाहिए, 2:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डेट ओन बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड आफ्टर सच बाय बैक इज नॉट मोर देन 2x द टोटल ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉट मोर देन द 2x ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। तो अपने पास जो डेट होना, कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से दोगुना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2x, नॉट मोर देन 2x, तो मतलब ये 2 रहेगा और ये 1 रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए मैंने 2:1 तुरंत लिख दिया। ओके हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द हायर रेशियो ऑफ द डेट टू कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, हाँ वो स्पेसिफाई कर सकता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है यहाँ पर, ऑल द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर द बायबैक आर फुली पेड अप। हाँ पहली बात तो फुली पेड अप होने चाहिए, सारा A to Z 10 रुपये का अगर फेस वैल्यू तो सारे आ जाना चाहिए। इफ द बायबैक ऑफ द शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई भी लिस्टेड शेयर्स का बायबैक होता है तो हमें सेबी की गाइडलाइंस को भी अदर करना है, मतलब फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, अच्छा एक बार इसको भी कर लेते हैं, तो बायबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन दोज ऑफ द स्पेसिफाइड कर लेते हैं, तो बायबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन दोज ऑफ द स्पेसिफाइड इन क्लॉज F, इसके अलावा मतलब लिस्टेड के अलावा इज इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, सो उसके अलावा भी है तो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट अपने को क्या करना है, आर्टिकल में रजिस्ट्रेशन, आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन इफ मोर देन 10% लेस देन तो बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग, बायबैक अगर 25% से मतलब योर बायबैक शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फिर से पेड अप शेयर कैपिटल सेम फाइनेंशियल ईयर पे लिया जाएगा, रेशियो ऑफ द डेट एंड द इक्विटी विल बी 2:1 नॉट मोर देन दैट आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद 2:1 की रेशियो होनी चाहिए, उससे कम नहीं, उसके ऊपर गई तो फिर दिक्कत है,
ऑल द शेयर्स ऑफ और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बायबैक तभी हो सकता है जब वो फुली पेड अप हो। द बायबैक ऑफ द शेयर्स अगर लिस्टेड हो सेबी का गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, और उसके बाद अगर लिस्टेड नहीं तो फर्दर गाइडलाइंस अगर नॉर्मल गाइडलाइंस इश्यूड है तो उसको फॉलो करना होगा। ओके नाउ इट मे बी नोटेड दैट no offer of buyback under this subsection shall be made within a period of 1 year recorded from the date of closure of the previous buyback, if any. This means that there cannot be more buyback in 1 year. कहने का मतलब आज आपने buyback कर लिया, ठीक है, तो आप अगले एक साल तक फिर से buyback नहीं कर सकते। अब एक साल कहाँ से count होगा? From the closure of the buyback date. बाईबैक डेट के क्लोजर से ये एक साल काउंट होगा, इस एक साल में आप फिर से बाईबैक नहीं कर सकते। ओके नाउ एवरी बाईबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन वन ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन। हर बाईबैक विद इन एक साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के, और रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जब आप 10% से कम कर रहे हो या 10% से ज्यादा कर रहे हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन और बोर्ड स्पेशल रिजोल्यूशन दोनों इशू होता है, तो दोनों के केस में आप मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर इस रिजोल्यूशन के विद इन 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, विद इन 1 ईयर आपको इशू करना मतलब बायबैक करना है। द बायबैक मे बी अब कहाँ से हो सकता है बायबैक? फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटी ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस। हाँ, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर रिलायंस बायबैक करता है तो मैं अपना 10 शेयर में से 1 बायबैक कर सकता हूँ। फ्रॉम द ओपन मार्केट, मार्केट में जाके खरीद सकता है बायबैक, जैसे कि मार्केट में जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं कंपनी भी वहाँ पे जाके बायबैक कर सकती है, वो भी ऑप्शन है कंपनी के पास। बाय परचेजिंग एंड सिक्योरिटी इशू बाई इशू टू एम्प्लॉय को जो इशू किया था वहाँ से बायबैक कर लो, एम्प्लॉय को जो स्टॉक दिया था ना तो सर्टिफिकेट शेयर इशू होता है ना, तो वहाँ से भी आप बायबैक कर सकते हैं। Of the company pursuant to the scheme of the stock option or sweat equity stock option में जो दिया जाता है, और sweat stock option में जो दिया जाता है, और sweat equity में, तो वहां से भी आप buy back कर सकते हैं। Now अब देखिए और क्या क्या regulation करनी होगी जब आप buy back कर लें। Where a company has passed a special resolution under clause B subsection 2, a resolution or attempt provision thereto to buy back own shares or other security under special resolution, कहने वाले special resolution जब आपका पास हो buyback के लिए, it shall before making such buyback file the registrar and security and exchange board of India a declaration of the solvency in the form as will be prescribed and verified by an affidavit affirming that the board has made a full inquiry into an affairs of the company as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liability and will not be rendered insolvent within a period of 3 years of the date of declaration adopted by the board. क्या मतलब सेबी का भी क्या रिक्वायरमेंट है? हमें रजिस्ट्रार एंड सेबी को देना होगा, एक तो रजिस्ट्रार को हमको फाइल करना होगा। एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी को क्या क्या करना होगा ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी है, कंपनी को क्या करना है, रजिस्ट्रार को और सेबी को एक डिक्लेरेशन देना होगा। क्या देना होगा? डिक्लेरेशन। मैं इसलिए लिख रहा हूँ इससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना होगा कि ऐसा करने के बाद हम जिंदा रहें, मतलब मैं इनसॉल्वेंट नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा, इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। फॉर्म प्रिस्क्राइब जो है उसके हिसाब से, सेबी का फॉर्म प्रिस्क्राइब है, रजिस्ट्रार का फॉर्म प्रिस्क्राइब है, एंड वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। डिक्लेरेशन दे दिया, एक एफिडेविट दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या देना है आपको? To the effect that the board has made a full inquiry into the affairs of the company, board ने पूरी inquiry की है company के affairs of the company, board ने पूरी inquiry की है company के affairs के में, मतलब companies का जो financials है, as a result of which they have formed an opinion after inquiry, मतलब पूरी analysis के बाद, board ने पूरी analysis करने के बाद board क्या बोला? Form an opinion that it is capable of meeting its liability. That he is capable of meeting its liability. वो अपनी liability को meet करने के लिए capable है, okay? And will not be rendered insolvent. और insolvent नहीं होंगे within a period of 1 year. एक साल के अंदर वो insolvent नहीं होंगे
ऐसे ही उनकी मतलब लाइबिलिटी को रेंडर करेंगे तो भी ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाई द बोर्ड, और जिस दिन डिक्लेरेशन अडॉप्टेड होगा उस दिन पे इनको देना होगा। तो एक डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट कि कंपनी कैपेबल है अपनी लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, और फॉर द साइन बाय एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स, और वो दो डायरेक्टर्स द्वारा साइन होगी ऑफ द कंपनी, वन ऑफ हूम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, एक एमडी और एक नॉर्मल डायरेक्टर से भी चलेगा। If any, however, no declaration of solvency shall be filed with the Securities and Exchange Board of India by a company whose shares are not listed on a recognized stock exchange. However, no declaration of the solvency shall be required. नहीं हो, देखो मेरा लिस्टिंग नहीं है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, तो हमें क्या सभी में करेंगे? नहीं, हम बस रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। ओके, इसमें दोनों को करना है, विद द रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी। ओके, नाउ हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ना। ओके, वेयर कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर, इट शैल बी एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी टू ब्रॉट बैक विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर कंप्लीट करने के बाय बैक को सारा डिस्ट्रॉय करने के अगर कोई फिजिकल शेयर है। वेयर अ कंपनी कंप्लीट्स अ बाय बैक ऑफ इट्स अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर द सेक्शन, इट शैल मेक फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ द शेयर्स इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ अ न्यू शेयर्स अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन बी ऑफ और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months एक्सेप्ट बाय वे ऑफ द बोनस इशू और डिस्चार्ज ऑफ दिस। सच अ कन्वर्जन ऑफ वारंट स्टॉक ऑप्शन स्कीम स्वेट इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वेयर अ कंपनी कंप्लीट्स बाय बैक ऑफ इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर दिस इट शैल नॉट मेक फर्दर इशू। भैया आपने अभी बायबैक किया तो आपको अलाउड नहीं है फर्दर इशू ऑफ एनी काइंड, फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम काइंड जैसे मैं अगर आज इक्विटी शेयर बायबैक करता हूं तो मैं उस इक्विटी शेयर फिर से अलॉट नहीं करूंगा, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ न्यू क्लॉज। अब आप इसमें इस स्कीम में आप ना ही अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब नॉर्मल तो कर ही नहीं सकते, ये देखिए ये वाले शेयर्स अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कुछ को एक्सेप्शन है जैसे ये एक्सेप्ट कर दिया है कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट स्टॉक एक्सचेंज स्कीम सिक्योरिटी प्रोविजन, इन सारों को छोड़ के मैं इसको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए आपने आज बायबैक कर लिया है, ठीक है, अब बायबैक करने के बाद आप अगले सिक्स मंथ तक नहीं इश्यू कर सकते इक्विटी प्रेफरेंस जो भी हो एज द केस में भी, मतलब सेम काइंड जैसे मैंने अगर इक्विटी बायबैक किया तो इक्विटी में इश्यू नहीं कर सकते अंडर क्लॉज। अब इसका कहां क्लॉज में है, ये है आपका 62(1)(a) और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड, और भी कोई भी स्पेसिफाइड वैसी सिक्योरिटी नहीं इशू कर सकते। ठीक है, ये आपका रहा एक कॉन्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन है, आप बोनस इशू कर सकते हैं। ओके, तो ओके है, और कोई आपकी आपकी पुरानी ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करना है, उसके कन्वर्जन में आप वारंट सजेस्ट कन्वर्जन ऑफ वारंट, जैसे आपका वारंट है उसका कन्वर्जन करके आपको इक्विटी देना है। ठीक है, तो इस केस में भी अलाउड है, जैसे यहाँ पे लिखा ना इनके सब वारंट स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे सकते हैं आप, स्टॉक ऑप्शन स्कीम अलाउड है, स्वेट इक्विटी शेयर और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर जो आप एम्प्लॉय को देते हैं और एम्प्लॉय ऑप्शन दोनों हैं, ये स्वेट इक्विटी अलाउड है। ओके, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जैसे कन्वर्जन आप कन्वर्जन करा सकते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर्स अरे मतलब डिबेंचर्स को इक्विटी देना है तो दे सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बोनस दे सकते हैं। ठीक है, आप न्यू शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, वारंट सर्टिफिकेट ऑफ कोई ऑब्लिगेशन है तो आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ वारंट को आप इक्विटी में बदलना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं,
स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना, ये सारे तो प्री डिटरमाइंड रहते हैं ना केसेस, तो इस केसेस में आप कर सकते हैं लेकिन और केसेस में नहीं कर सकते। इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन और एनी रेगुलेशन से भी इन दिस रिगार्ड, अब ये फाइन है, कितना फाइन लगेगा ये देखते हैं। इट इज ऑल्सो इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द दिस सेक्शन और एनी रेगुलेशन मेड बाई सेबी in this regard the company shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh, 1 lakh se kam nahi lagega, but which may extend to rupees 3 lakh, and every officer extend ho sakta 3 lakh tak aur matlab uske sath aur sare officers, every company of the company who is default shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with a fine not less than 1 lakh but which may extend to rupees 3 lakh। तो फाइन को अगर समझाना हो मुझे तो देखिए, नॉर्मल फाइन अगर देखा जाए तो 1 lakh है, फाइन 1 lakh, अभी एक्सटेंड हो सकता है 3 lakh तक, एंड प्लस कर लीजिए सारे इंप्लॉय को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक, प्लस कर लीजिए सारे इंप्लॉय को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल तक। अब इसमें कंडीशन है या तो और फाइन 1 lakh तक नॉट लेस देन 1 lakh और ये एक्सटेंड हो सकता है 3 lakh तक, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो आपके एम्प्लॉय को नॉर्मली अगर देखा जाए तो फाइन कितना है 1 lakh रुपया, सिंपल पनिशमेंट विद द फाइन नॉट लेस देन 1 lakh बट बीच में एक्सटेंड, अभी एक्सटेंड हो सकता है ये नॉर्मली, इसके बाद एक्सटेंड हो सकता है 3 lakh तक प्लस सारे इम्प्लॉय को इम्प्रिजनमेंट हो जाता है 3 साल तक, ये सारा दोनों मिला के, ठीक है। और ये इम्प्लॉयज अपना 3 साल का जेल है उसकी जगह पे 1 lakh रुपया फाइन दे सकता है और ये फाइन 3 lakh तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो फाइन क्लियर है। नाउ सेक्शन 69(1) से दैट वेयर अ कंपनी purchases its own shares out of the free reserve, अपने को free reserve और security premium से खरीदती है, a sum equal to the nominal value of the shares, so purchase shall be transferred to capital redemption reserve। कहने का मतलब ये है कि जितने का आपने shares खरीदा है उतने सेम अमाउंट का आप capital redemption reserve में पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, अगर आपने खुद के पैसे से खरीदा है तो, ठीक है। A capital redemption reserve account may be applied by the company in paying off unissued shares, or is ये जो इसको कहाँ utilize हो सकता है CRR, unissued shares के केस में, of the company to be issued to the members of the company as a fully paid bonus shares, ठीक है। Now where a company buy back its security under this section shall maintain register of the securities, कंसिडरेशन कितना पेड हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैंसिलेशन ऑफ द सिक्योरिटी किस दिन कैंसिल हुआ, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग किस दिन एग्जीक्यूट हुआ, फिजिकल डिस्ट्रॉइंग ऑफ द सिक्योरिटीज किस दिन डिस्ट्रॉय हुआ, एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी डिस्क्राइब, मतलब मोटा मोटी हिसाब एक रजिस्टर रखी जिसमें कब खरीदा गया, कब बेचा गया, कब किस डेट से स्टार्ट हुआ, कितना अमाउंट मिला, किससे मिला, आप ये डेटा एक मेंटेन करिए। A company shall, after the completion of the buyback under this section, file with the registrar and the Securities Exchange Board of India. अब वही वाला केस, रजिस्ट्रार सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है तो सिबी को देना होगा, लिस्टेड नहीं है तो रजिस्ट्रार को देना होगा। A return containing such particulars relating to the buyback within 30 days of the such completion. इसको complete होने के 30 दिन बाद आपको एक completion के बाद आपको एक completion of buyback as may be prescribed, provided no return shall be filed, return एक file करना होगा, ठीक है, एक return file करेंगे जिसमें आपको detail return मतलब detail shall be filed with the Securities Exchange Board of India, like हमने not listed, अरे भैया वही वाला बात जो हमने बोला अभी, सिंपल सी बात, आप एक return file करिए, किसको, registrar को file करिए plus SEBI को। अब सेबी कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब आप नॉन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, आपको बस सिर्फ रजिस्ट्रार को देना, और इसका ड्यूरेशन क्या है, विद इन 30 डेज, 30 डेज कहाँ से, आफ्टर कंप्लीशन, ओके। नाउ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायरमेंट, अंडर
इसका रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द हेड शेयर कैपिटल अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट एज द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड द एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक बोर्ड। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ, मतलब जिस दिन बाई पैक करेगी उसके आने वाले 5 सालों तक एट मीन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर, जिस दिन बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा उसके आने वाले 5 सालों तक जब तक बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा ये बात उनको दिखाना होगा कि द एग्रीगेट नंबर ऑफ क्लास ऑफ शेयर्स बॉट बैक, कितना नंबर ऑफ शेयर्स हमने बाई बैक किया, ये चीज़ उन्हें दिखानी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जो शेयर होल्डर्स अगर बाद में फ्यूचर में देखें तो देख पाएं कि कंपनी ने खुद का शेयर बाई बैक कर लिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। मजा आ गया आपको पढ़ के। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी क्लेम और दो सीरीज ऑफ द इश्यू से बायबैक कर सकते हैं। ये बायबैक कब नहीं कर सकते? सिक्योरिटी सेलिंग मेड ऑर्डर प्रोसीड हो उसी शेयर सेम काइंड का जो शेयर है उसी से आप बायबैक नहीं कर सकते, जैसे इक्विटी तो इक्विटी से बायबैक नहीं कर सकते, जो शेयर है उसी से आप बायबैक नहीं कर सकते, जैसे इक्विटी तो इक्विटी से बायबैक नहीं कर सकते। अच्छा, आप ऑथराइज आर्टिकल से स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा 10% से ज़्यादा, 10% से कम है तो BR and BM लगे, बायबैक 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते, रेशियो 2:1 होना चाहिए, ऑल द शेयर स्पेसिफाइड ऑन बायबैक शैल बी फुली पेड अप, पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, द बायबैक शेयर शैल बी द बायबैक ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। अच्छा, सेबी का रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा, लिस्टेड है, अगर लिस्टेड नहीं है तो जो भी गाइडलाइंस इश्यूड है उसको फॉलो करिए, और 1 साल तक फिर से बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये बायबैक वाला, द बायबैक में भी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हो सकता है, कहाँ कहाँ से हो सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हो सकता है, और प्रोपोर्शनल बेसिस पे मतलब फुली या प्रोपोर्शनल बेसिस पे ओपन मार्केट से हो सकता है, खुद के शेयर परचेस कर सकते हैं इम्प्लॉइज से स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी ऑप्शन में से। ठीक है, कंपनी को करना क्या है कि रजिस्ट्रार और सेबी को एक डिक्लेरेशन देना है सॉल्वेंसी का और एफिडेविट के साथ कि बोर्ड कैपेबल है अगले 1 साल की लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, उसमें 2 डायरेक्टर और 1 MD का साइन लगेगा जिसमें से एक एटलीस्ट MD है। अगर कंपनी प्राइवेट ओन शेयर फिजिकली रजिस्टर 7 दिन के अंदर उस सारे को डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, आप 6 महीने तक फिर से इशू नहीं कर सकते, फ्रीजिंग पीरियड आ गया, 6 महीने तक सेम टाइम पर इशू नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आप बोनस दे सकते हैं, वारंट कन्वर्जन कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, स्वेट कर सकते हैं, कन्वर्जन प्रेफरेंस और डिबेंचर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन कैसे है? 1 लाख तक है, 1 लाख एक्सटेंड हो सकता है 3 लाख तक, प्लस उसमें ऐड हो जाएगा इम्प्लॉय को 3 साल तक जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख तक का फाइन और वो फाइन 3 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व उसी अमाउंट का आपको बनाना होगा, कैपिटल रिडेम्पशन इशू अनइश्यूड शेयर्स को इशू करने में काम आ जाएगा, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुली पेड बोनस शेयर्स, मेंबर्स को पेड करने के लिए तो फुली पेड बोनस शेयर्स, वेयर कंपनी बायबैक सिस्टम मेंटेन करना होगा, जिसमें ये डिटेल की किसके किससे बायबैक हुआ, कितना अमाउंट का था, क्या था, क्या शेयर्स था, क्या नेचर था शेयर्स का, कब बायबैक डेट था, कब तक कंप्लीट हुआ, ये सारा डेट। और कंपनी शेल अब जो कंपनी बायबैक करे उसको एक रिटर्न फाइल करना होगा रजिस्ट्रार और सेबी को विद इन 30 डेज तक, अगर आप लिस्टेड नहीं तो सेबी को नहीं फाइल करना होगा, सिर्फ रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। शेड्यूल 3 टू द कंपनी एक्ट 2013 का क्या रिक्वायरमेंट है? आपको अगले 5 साल तक आपको ये दिखाना होगा एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स बॉर्ड बैंक। ओके, सो वी आर डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रीफली डिस्कस द पोजीशन ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द इशू ऑफ द शेयर्स एट अ डिस्काउंट। तो पहली बात तो डिस्काउंट तो इशू ही नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा आप 54 एनी शेयर इशू कर सकते हैं, आप कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप फाइन सुन लीजिए, अगर कॉन्ट्रावेट करते हैं तो इंडियन को तो इस अपनी सैलरी परेशान तो फाइन करना नहीं देते। ठीक है, बट बीच में अच्छी उनकी फाइल है, अभी भी इसकी फाइन की बात करें तो फाइन 1 लाख और एक्सचेंज हो तो 5 लाख हो सकता है। ठीक है, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ यू ऑफिसर फॉल कर 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जेल में जा सकते हैं विद इन लुकिंग फॉर अटैम और अ फाइन, और इसमें और लगाए आप या तो फाइन दे दो नॉट लेजर।